जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, स्टेज से सभी लोग नीचे की ओर आ जाएं। सभी से निवेदन है कि अपने थोड़ा सा दोस्तों के लिए शादी करते हैं और इसका पीछे स्क्रीन से भी इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने का श्रम करें। जय जिनेन्द्र, चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती पर भगवान महावीर स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में विराजमान आरिका विद्याश्री माता जी सत्संग के चरणों में वंदामी वंदामी। सकल दिगल समाज के अध्यक्ष विमल जी, महामंत्री विनोद जी, राजमल पाटोदी जी, राकेश जी, विकास जी, समस्त जैन समाज के बंधुओं, मातृ शक्ति, आप सबको भगवान महावीर के जन कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे युवा प्रकोष्ठ ने आज यहाँ पर समग्र जैन समाज की एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान महावीर के उपदेश हमारे जीवन में हमेशा नई नवीनता देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं और इसीलिए आज भगवान महावीर के संदेश केवल दुनिया में नहीं अपूति जन जन के अंदर उनके संदेश एक नई नवीनता के साथ हर चुनौती कठिनाइयों के अंदर हमें राह दिखाने का काम करते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, करुणा, क्षमा, ये जीवन के महावीर स्वामी जी के ऐसे उपदेश हैं जो केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर जिस भी जीव जंतु में भी प्राण होते हैं उस जीव जंतु के प्राणों में भी हम किस तरीके से संवेदना के साथ, करुणा के साथ हम जीवन के अंदर उस जीव के साथ अपना व्यवहार करें, ये संदेश देते हैं। और इसीलिए आज शांति अहिंस का संदेश भगवान महावीर जी ने उस समय दिया था 2500 वर्ष पूर्व, और आज दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति का संदेश आज दुनिया की आवश्यकता हो गई। इसलिए दुनिया के अंदर भी महावीर स्वामी के विचारों को लेकर जब दुनिया के अंदर युद्ध की स्थिति होती है उस समय अहिंसा और शांति का संदेश दुनिया को इस संदेश के माध्यम से एक करने का काम करता है। हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है और विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे परिवार है, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और ये संस्कृति संस्कार भगवान महावीर स्वामी जी ने दिए थे। महावीर स्वामी जी जिन्होंने तप और तपस्या से व्यक्ति के को सत्य के मार्ग पर ले जाने की राह दिखाई और इसीलिए आज यहाँ पर जैन समाज ही नहीं पूरे देश और विश्व के अंदर आज 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन उत्सव कल्याण उत्सव मनाया जा रहा है और उनके संदेश हमारे जीवन के अंदर हर राह हर चुनौती में एक शाश्वत रूप से दिशा देते हैं। भगवान महावीर के संदेश जो भी व्यक्ति जीवन में आत्मसात करता है
उसको जीवन जीने की राह अपने आप मिलती है। मैं पुनः आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का सत्र होने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन हर वर्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता हूं। लेकिन आज भी इस वर्चुअल माध्यम से मैं आपको देख रहा हूं कि किस तरीके से आप महावीर स्वामी के संदेशों और विचारों को आत्मसात भी कर रहे हैं और जन जन के पहुंचाने का संकल्प भी ले रहे हैं। आप सबको महावीर स्वामी जी की जन कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।